बरसात के शुरू होते ही छतरपुर शहर में गंदगी सड़कों पर आ गई है और कचरा सड़ने लगा है। शहर की साफ सफाई व्यवस्था एक बार फिर चौपट होती नजर आ रही है। इसका बड़ा कारण ये है कि शहर का कचरा उठाकर कचरा प्रसंस्करण केंद्र नहीं भेजा जा रहा है। कचरा प्रसंस्करण केंद्र छतरपुर ही नहीं बल्कि सागर संभाग के सबसे विकसित कचरा प्रसंस्करण केंद्रों में से एक है, लेकिन यहाँ की मशीनें कई महीनों से बंद पड़ी हैं। इसके अलग अलग कारण हैं और इन मशीनों के बंद होने के कारण कचरा यहाँ लाया नहीं जा रहा है। लगातार बढ़ती गंदगी की समस्या को देखते हुए शनिवार को छतरपुर नगरपालिका की सीएमओ माधुरी शर्मा कचरा प्रसंस्करण केंद्र का निरीक्षण करने पहुंची। यहाँ उन्होंने कचरा प्रसंस्करण केंद्र में बंद पड़ी मशीनों को शीघ्र चालू कराने की बात कही। इस मौके पर हमारे संवाददाता संजय अवस्थी ने उनसे बात की और आने वाले दिनों में होने जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण के बारे में भी उनसे चर्चा की। नगरपालिका परिषद छतरपुर के द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर विशेष रूप से प्रयास किए जा रहे हैं और स्वच्छ शहर रहे इसको लेकर लोगों को लगातार समझाइश भी दी जा रही है। आज उसी तारतम्य में छतरपुर नगरपालिका की सीएमओ माधुरी शर्मा कचरा प्रसंस्करण केंद्र आई हैं, लेकिन यहाँ की यदि बात करें तो जो मशीनें हैं वह बंद हैं और अब वह निरीक्षण करने के लिए आई हैं, व्यवस्था बनाने के लिए आई हैं। हम सीधे मैम से चर्चा करेंगे किस तरह की व्यवस्था मैम बनाई जा रही है। अभी हम लोग कचरा प्रसंस्करण प्लांट में जो जो कमियां हैं उनको व्यवस्थित कराने के लिए निरीक्षण कर रहे थे। हमारा 200 केवी का ट्रांसफार्मर शिफ्ट हो चुका है तो वह मशीनें चालू करनी है और लीगेसी वेस्ट का हमारा टेंडर भोपाल सेंक्शन होने गया है तो वित्तीय दर स्वीकृत होते ही एक महीने के अंदर हमारा कचरे का निष्पादन भी होने लगेगा और उसी के लिए हमने सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। प्रसंस्करण केंद्र को नियमित रूप से संचालित कराना है, इसके लिए संबंधित कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है और जो भी कमियां हैं तकनीकी रूप से उसमें इंजीनियरों को भी निर्देशित किया गया, जहां जहां निर्माण की आवश्यकता है वह सभी निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूर्ण कराएं। और कौन सी मैम एक्टिविटी कराई जा रही है स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर जो बहुत जरूरी है? स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। सोर्स से हमें गीला सूखा कचरा लोगों को अलग अलग देने के निर्देश प्राप्त होते रहते हैं और सोर्स पर जब तक हमें गीला सूखा अलग नहीं होगा तो आप देख रहे हैं इतने बड़े बल्क में उनको यहाँ पर अलग करना संभव नहीं है। सभी आम नागरिकों से यही अपील है कि सभी लोग सहयोग करें जिससे आपके शहर के कचरे का निष्पादन अच्छे ढंग से हो सके और हमारी बीमारियाँ दूर हों। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान के तहत हम स्वच्छता में भी आगे जाएं, शहर की रैंक को भी आगे लाएं और एक अच्छे स्वास्थ्य की परिकल्पना को परिदृश्य को साकार करने के लिए स्वच्छता को अपनाएं। हम लोगों की पूरी पूरी सहभागिता की आवश्यकता है। किसी भी घर से कचरा अगर निकलता है तो उस कचरे का निष्पादन नहीं होगा तो संभवतः आप सभी जानते हैं कि बीमारियों का घर बनेगा, तो उस बीमारी से निपटने के लिए हमें कचरे का निष्पादन करना पड़ेगा। भले ही हम यहाँ डंप साइट पर भी लाकर कचरा डाल दें और महीनों तक अगर ये ऐसा ही पड़ा रहेगा, इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा तो एक बड़े स्तर पर किसी बीमारी को फैलने की संभावना रहती है। तो सभी लोग इसमें सहयोग करें जिससे आपका कचरा कहीं भी खुले में ना रहे और हमारी डंप साइट पर भी जो कचरा आए तो यहाँ भी खुले में ना रहे, हम अपनी मशीनों में उनको उचित तरीके से निष्पादन कर सकें, यही सबसे अपेक्षा है। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और आपको बता दें पूरा शहर स्वच्छ रहे उसके लिए सीएमओ नगरपालिका की जो माधुरी शर्मा हैं उनके द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इस वक्त हम कचरा प्रसंस्करण केंद्र में हैं तो यहाँ की जो मशीनें हैं वह बंद पड़ी हुई हैं। लाखों की यह कीमत की मशीन है, अब इनको एक बार पुनः चालू कराने को लेकर व्यवस्थित किया जा रहा है, इसका टेंडर भी किया जा रहा है और जो यहाँ पर एक कचरा का ढेर लगा हुआ है अब जैसे ही यह मशीनें चालू हो जाएंगी तो इस कचरे से इन मशीनों के द्वारा जो इसके सूखा कचरा है गीला कचरा है इसकी पूरी यानी एक बनाने की जो विधि है वह भी पूर्ण रूप से शुरू हो जाएगी और स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उसमें नगरपालिका की सीएमओ माधुरी शर्मा ने कहा है कि इस पूरे कार्य में शहर के लोगों की सहभागिता बहुत जरूरी है और एक शहर की अच्छी रैंकिंग भी आए और स्वच्छ वातावरण होने से लोग स्वस्थ भी रहेंगे, किसी भी प्रकार की उनको बीमारी भी नहीं होगी। पेप्टिक टाइम के लिए संजय अवस्थी छतरपुर।